सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने बोला था कि आरसीबी एमएस लेके जाने वाली है और रिस्क में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए बोला था आपको एलाइस पैरी को, जो कि यहाँ पे आपको बताया हुआ था, और साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बतौर आपको वाइस कैप्टन प्रोवाइड किए हुए थे एलाइस पैरी को, और ऋचा घोष को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए बोला था। हम यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बोले थे कि बना लेने के लिए, और आपने देखा कि एलाइस पेरी ने अकेले के 6 विकेट निकाले, जो कि हमारा परफेक्ट प्रिडिक्शन रहा। और हम यह भी बोला था कि आरसीबी ये मैच लेके जाने वाली है, और आरसीबी ने मैच जो है अपने हाथ में कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी प्रिडिक्शन परफेक्ट रह रही है। तो अगर आपको हमारी प्रिडिक्शन जाननी है अगले मैच इस वाले की, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए हमारे साथ। और हम ये भी बताएंगे कि कौन से टीम आज मैच विन करने वाली है और किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, ये सारी चीज़ें। और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसा आपको हमेशा मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैच जो है दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात के बीच होने जा रही है, 20th मैच होने जा रही है, और यहाँ पे 13 मार्च 2024 को 7:30 PM में ये मैच होगी। ठीक है, ये मैच कहाँ पे होने जा रही है, पिच रिपोर्ट कैसे होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसे होने वाला है, कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए बेस्ट होंगे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलते हैं एक टीम बना बनाया हुआ। ठीक है, और इस टीम में 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल, तो कुछ इस तरह से है, @IndianYouTuberDeepakJM। अगर आप अपने टेलीग्राम से सर्च करते हैं इसे, @IndianYouTuberDeepakJM, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही फर्स्ट लेटर कैपिटल डालिएगा आई। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको SL और GL के बिल्कुल फ्री वाले टीम मिलते हैं, जैसे फ्री टीम, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और फैंटेसी रिलेटेड सारे अपडेट्स, और इस तरह के DP आपको मिल जाएंगे कई सारे चैनल में, टेलीग्राम में आपको देखने को, जो कि हमारा वाला यूज़ किया हुआ है DP प्रोफाइल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है, हमारा सब्सक्राइबर बेस जो है 70-18 के आसपास है, तो यहाँ पे आप जाएँ, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट तरीका होगा आप लिंक से जाएँ, तब आप फेक चैनल पे नहीं पहुंचेंगे। हमारे यहाँ कोई प्राइम मेंबरशिप वगैरह नहीं चलाई जाती है, बिल्कुल सारी टीमें जो है फ्री में दी जाती है, अपडेट भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू स्टेट्स, तो आज का जो वेन्यू स्टेट्स है कुछ इस तरह से है, अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच होने जा रही है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटिंग पिच है, और स्पिनर्स बॉलर का यहाँ पे काफ़ी बोलबाला रहता है। आपने देखा कल कि स्पिनर्स बॉलर जो हैं एलाइस पैरी, काफ़ी स्पिन करा करा के, स्विंग करा करा के 6 विकेट अकेले के निकाली हैं, तो यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला रहता है। तो स्पिनर्स को आप अच्छे से सेलेक्ट करके चलेंगे, कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे पेसर्स और स्पिनर्स का, और इसको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन भी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक टीम भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें टोटल मैचेस की, तो टोटल मैचेस यहाँ पे 7 हुए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 6 मैचेस विन किए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 1 मैचेस विन किए हैं। कल वाली मैच जो है बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने विन कराया। ठीक है, और टोटल टाई जो है यहाँ पे 0 हुए हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 167 के आसपास जो है आराम से बन सकता है, और हाईएस्ट स्कोर की बात करें जो कि यहाँ पे बने हैं, तो 231 4 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ पे 66 लोवेस्ट स्कोर रहा है 10 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न, तो स्कोरिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, 150 के नीचे जो है 0 टाइम 150 और 69 के बीच जो है यहाँ पे 2 टाइम रन बने हैं, 170 और 89 के बीच आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 टाइम रन बने हैं, 190 के एवब जो है 0 टाइम रन बने, 170 और 89 के बीच जो है आप यहाँ पे लेके चलेंगे कि एक एवरेज स्कोर जो है 167 या फिर 70 के आसपास जो है आराम से रन बन जाए, तो ये हम एवरेज लेके चलेंगे कि यहाँ पे इतने रन आराम से बन सकते हैं इस पिच पे। ठीक है, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रीवियस इनिंग स्कोर, तो फर्स्ट इनिंग स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एवरेज रन जो है 142 रहा है, एवरेज विकेट जो है 7 और एवरेज स्ट्राइक रेट जो है 118.88 कर रहा है। और यहाँ पे बात करें सेकंड इनिंग स्कोर की, तो यहाँ पे एवरेज रन आप देख सकते हैं 134 और एवरेज विकेट की बात करें तो 5 और एवरेज स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 124.94 का रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की, तो वेदर रिपोर्ट यहाँ पे 22.0 डिग्री सेल्सियस क्लाउड आपको यहाँ पे हैच वेदर रहने वाला है। ठीक है,
यहाँ पे रेन परसेंटेज की बात कर तो 0 रेन परसेंट है, तो यहाँ पे बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में ये मैच होने वाला है और यहाँ पे जो है वेदर आपको 79% क्लाउड देखने को मिलेगा, जबकि बारिश होने की संभावना नहीं है। विंड स्पीड आपको यहाँ पे 0.70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो उतनी हवा भी यहाँ पे नहीं चल रही है, तो काफ़ी अच्छा खासा मैच होगा, ठीक है, और रन भी काफ़ी अच्छे खासे बनेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, जो कि यहाँ पे होने वाले हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हमारे लिए जो बेस्ट खेलेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मैगलेनिन, शेफाली वर्मा, जे रॉड्रिगस, एलाइस कैप्सी, एम कैप, जेस जोनासन, और यहाँ पे अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, तानिया भाटिया, शिखा पांडे, और यहाँ पे टीटस साधु। तो इतने सारे प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आएंगे दिल्ली वुमेन से, ठीक है। अब दिल्ली वुमेन से जो हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे, हमें जो बेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट, और यहाँ पे हम रैंक किसके साथ करेंगे और GLSL किसके साथ विन कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मैगलेनिन और शेफाली वर्मा, जे रॉड्रिगस, एलाइस कैप्सी। ये जो प्लेयर हैं आपको काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट देंगे, तो इसको आप अपने टीम में जरूर से ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा राधा यादव, ठीक है, तो ये टॉप बॉलर हैं राधा यादव, जो इनको जो है आप अपने टीम में जरूर से ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तानिया भाटिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शिखा पांडे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों के साथ रिस्क लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आप राधा यादव के साथ जा सकते हैं, और राधा यादव को आप CVC यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप मैगलेनिन को CVC में ट्राई करेंगे, सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। शेफाली वर्मा और जे रॉड्रिगस को CVC आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए ये जो है कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। मैरिजन कैप, जेस जोनासन आप अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोबेबल प्लेइंग 11, जो कि हो जाते हैं हमारे गुजरात से। गुजरात से कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे बैथमुने, एल उलवरदत्त, डी हेमलता, पीलेशवेल्ड, और यहाँ पे ए गार्डनर, भारती फुलमाल, और कैथरीन ब्रेश, एम कश्यप, तनुजा कानवर, मेघना सिंह, और यहाँ पे शबनम शकील। तो इतने सारे प्लेयर आपको गुजरात वुमेन से खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट जो होगा उसके बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैथ मुने को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लेंगे और CVC रख लेंगे, ठीक है। और लौरा उलवरदत्त, आपने देखा पिछले मैच में लौरा उलवरदत्त ने काफ़ी अच्छा करा है, ठीक है, तो इसको जो है आप CVC जरूर से जरूर बना लेंगे आज वाले टीम में, ठीक है। और यहाँ पे डी हेमलता ने उतना अच्छा कर नहीं पाया है, आए और चले गए हैं, ठीक है, मतलब डी हेमलता आए और एक बॉल खेले और चले गए, एक ही बॉल में इन्होंने कैच दे दिया, ठीक है, तो इसको जो है आज वाली टीम में आप CVC बना लीजिएगा, टीम में सिलेक्ट कर लीजिएगा। ए गार्डनर की बात कर तो इसको भी आप CVC बना सकते हैं। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो आप कैप्टन, वाइस कैप्टन इन सभी के साथ आप जा सकते हैं। कैथरीन ब्रेश की बात करें तो इसको भी आप CVC ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। अब बात करते हैं बॉलर की, तो बॉलर में आपके लिए यहाँ पे मेघना सिंह आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, इसको जो है आप अपने टीम में CVC बॉलर से बना सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये जो प्लेयर आपको दिख रहे हैं इसको आपको अपने टीम में रखना ही रखना है, और पीलेशवेल्ड के साथ आप जा सकते हैं, इसको जो है आप अपने टीम में रिस्क के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। एम कश्यप को आप रिस्क के साथ ट्राई कर सकते हैं, और शबनम शकील जो है इसके साथ भी आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप GL वाला टीम खेल रहे हैं, एकदम यूनिक टीम बनाना चाहते हैं, तो इन सभी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टीम कंपैरिजन, और दोनों के बीच देख लेते हैं टीम कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मैचेस जो है दोनों ने 10-10 खेले हैं, जिसमें से टोटल विनिंग की बात करें तो दिल्ली ने 7 मैचेस विन करे, गुजरात ने 2 मैचेस विन करे, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें तो 148 रहा है दिल्ली का, और 153 रहा है गुजरात का, ठीक है, एवरेज स्कोर। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 192 रहा है 4 विकेट के नुकसान पे दिल्ली का, और 190 रहा है 7 विकेट के नुकसान पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 192 है 4 विकेट के नुकसान पे दिल्ली का, और यहाँ पे 90 है और 7 विकेट के नुकसान पे, ठीक है, तो 7 विकेट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं विकेट, ठीक है, यहाँ पे 7 विकेट के नुकसान पे 190 तक पहुँचे हैं गुजरात, और यहाँ पे 192 है 4 विकेट के नुकसान पे, ये काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 109 है 8 विकेट के नुकसान पे, और 107 है 7 विकेट के नुकसान पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अगर इनके देखें 7 विकेट के नुकसान पे, तो लगभग 107 आराम से बन ही गए होंगे। तो 107 7 विकेट के नुकसान पे, तो ज़्यादा पलड़ा जो है भारी दिल्ली का है। तो यहाँ पे आप लेके ऐसा चल सकते हैं कि आज जो है गुजरात मैच विन नहीं करती है तो गुजरात को ये मैच विन करना ही होगा। अगर विन नहीं करती है तो फिर ये बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको जो है ये मैच विन करना ही है, तो करो या मरो की स्थिति है। इसलिए गुजरात पूरा दमखम लगा देगी ये मैच विन करने में, और ये मैच जो है दिल्ली विन करेगी आज की मैच, ठीक है। गुजरात ये मैच जो है हारने वाली है, आज की मैच दिल्ली विन करेगी, किसी भी तरह से विन करे लेकिन विन करेगी। चलिए आगे बात करें यहाँ पे टॉप बैटर और टॉप बॉलर की। तो यहाँ पे टॉप बैटर में आपको देखने को मिल रहा होगा बैथ मुने, जो कि गुजरात वुमेन्स से विकेट कीपर है। 6 मैच खेले हैं जिसमें से इन्होंने 211 रन का स्कोर कराया, ठीक है। मैगलेन की बात करें जो कि दिल्ली से हैं, दोनों ही एक दूसरे से मतलब कड़ी टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से प्लेयर है ये दोनों ही, मैगलेन और बैथ मुने, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिल्ली से हैं, बैटर है, 7 मैचेस खेले हैं और 290 का स्कोर करा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं एल एस कैप्सी की, दिल्ली से हैं और राउंडर हैं, 7 मैचेस खेले हैं और 230 का रन यहाँ पे इन्होंने करा है स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप बॉलर की। टॉप बॉलर में राधा यादव दिल्ली से हैं और राउंडर हैं, यहाँ पे 7 मैचेस खेले हैं, 10 विकेट निकाले हैं, काफ़ी ये दमखम रखती हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग भी अच्छा कर लेती हैं। तो इनके साथ आप जा सकते हैं, इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर से जरूर बना लेंगे आज वाले टीम में। अब यहाँ पे बात करते हैं मैरिजन कैप की, जो कि यहाँ पे दिल्ली वुमेन से हैं, ऑलराउंडर हैं, 5 मैचेस खेले हैं, 9 विकेट निकाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जस जोनासन की, दिल्ली वुमेन से हैं, ऑलराउंडर हैं, यहाँ पे 5 मैचेस खेले हैं, 10 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिख रहा होगा दिल्ली से प्लेयर आपको टॉप में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो दिल्ली के प्लेयर टॉप में हैं और यहाँ पे बैथ मुने एक जो है टॉप पे हैं गुजरात के। तो गुजरात से एक प्लेयर हैं, जबकि यहाँ पे हो कम से कम जो है 3 प्लेयर 2 प्लेयर आपको होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो बैथ मुने अकेले जो है पूरे टीम को विन नहीं करा सकती, जबकि यहाँ पे जो है दिल्ली का जो है मजबूती काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये मैच जो है पूरा दमखम लगा देगी विन करने में गुजरात, लेकिन ये मैच जो है विन करके दिल्ली जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस जो प्ले हुए हैं इन दोनों के बीच। तो यहाँ पे 3 मैचेस प्ले हुए हैं, 2 मैचेस यहाँ पे दिल्ली ने विन करा है और 1 मैचेस जो है गुजरात ने विन करा है। अब रिसेंट मैच की बात करें तो रिसेंट मैच में जो है 3 मैचेस लूज करें, 1 विन करें और 1 लूज करें गुजरात ने, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो 3 लगातार विन करा है, फिर 1 लूज करा है, फिर विन करा है। तो आज का मैच भी दिल्ली विन करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर। तो आज का जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर है मैगलेनिन, जे रॉड्रिगस, एम कैप, शेफाली वर्मा और मेघना सिंह, ये जो प्लेयर है इसको आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छे खासे आपको यहाँ से पॉइंट दे सकते हैं, ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। तो इसको आप SL और GL और मिनी GL में आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपको सभी जगह पे अच्छे खासे पॉइंट देने वाले हैं, तो इसको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं रिस्की CVC की, तो यहाँ पे शबनम शकील, जस जोनासन, राधा यादव और पी लिशफील्ड को आप रिस्क वाले कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेंगे, ताकि आप जो है यहाँ पे रिस्क लेंगे और GL विन कर सके उसके लिए, ठीक है। तो GL विन करने के लिए आपको रिस्क लेना ही होगा। और यहाँ पे एल उलवरदत्त आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो एल उलवरदत्त को आप अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैगलेनिन, तानिया भाटिया और जे रॉड्रिगस, एक कैप्सी, तो ये जो है सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है। आपने जितना इन्वेस्ट करा है 49, 39, 59 जितना भी इन्वेस्ट करा है, तो वो आपके वापस आ जाएंगे अगर आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन में खेलते हैं। तो अगर आप इनको सेलेक्ट करते हैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन में, तो आप SL खेलें आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो SL के लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फिक्स कॉमन प्लेयर की, जो कि यहाँ पे जो है आपको ये खेल के अच्छा दे या ना दे, ये DT प्लेयर में जरूर रहेंगे, एवरेज में भी खेलेंगे तो भी, ठीक है। तो इनको जो है आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लीजिएगा, जे रॉड्रिगस, तानिया भाटिया, ए गार्डनर, टीटा साधु, एलाइस कैप्सी और यहाँ पे मैगलेनिन, तो इसको जो है अपने टीम में सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं
तो उनमें भी अगर आप 20 टीम बना रहे हैं उसमें भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जीएल रोटेटिंग प्लेयर की, तो जीएल रोटेटिंग प्लेयर आपका हो जाता है मेघना सिंह, राधा यादव, एम कैप, जस जोनासन, जे रॉड्रिगस और यहाँ पे शबनम शकील। तो ये प्लेयर जो है आपके हो जाते हैं जीएल रोटेटिंग प्लेयर, जिसको आपको रोटेट करना है सभी टीमों में, ठीक है, सभी टीमों में आपको रोटेट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टॉप पिक्स जो है स्मॉल लीग का, स्मॉल लीग में आप किसे पिक करेंगे जो कि आपको एसएल विन करा सकते हैं। तो जो दिल्ली से हैं वो एलाइस कैप्सी और जस जोनासन को आपको पिक कर लेना है एसएल वाले टीम में, और गुजरात वोमेन से जो है आपको पिक करना है बैथ मुने, एसले गार्डनर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रैंड लीग की, ग्रैंड लीग में आप किसे सिलेक्ट करेंगे, किसे पिक करेंगे ताकि जो है आप जीएल विन कर सके, किसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं, तो वो प्लेयर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, दिल्ली वुमेन से तानिया भाटिया और टीटेश साधु हैं, ठीक है, और गुजरात वुमेन से आपको यहाँ पे भारती फुलमाली और यहाँ पे मन्नत कश्यप आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डेथ ओवर बॉलर की, डेथ ओवर बॉलर में आप किसे सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल के दे, और जब विकेट निकलेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट आपके बनेंगे और आप यहाँ पे जो है जीएल एसएल मिनी जीएल विन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली वुमेन से मैरिजन कैप और यहाँ पे शिखा पांडे को, ठीक है, और यहाँ पे गुजरात से जो है मेघना सिंह को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक बना बनाया हुआ टीम, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 5 से 6 टीमों का कैप्टन, वाइस कैप्टन। तो इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे चल रहे गिव अवे, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, बस इतना करना है, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो है उसको आपको फॉलो कर लेना है। तो ये सारी काम आप कर लेते हैं तो आप बन सकते हैं विनर, और विनर को मिलेगा एक स्मार्ट वॉच, सीधे उसके घर तक बाय पोस्ट पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमने टीम में किसे सिलेक्ट करना है और किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बैथ मुने को सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे जो है मैगलैनिन, एल उलवरदत्त, जे रॉड्रिगस, एस वर्मा को हमने बैटर में सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो बैथ मुने के जगह पे किसी और को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा बैथ मुने विकेट कीपर में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर की, तो जे जोनासन, ए गार्डनर और ए कैप्सी, इसको जो है हमने ऑलराउंडर में सिलेक्ट करा है, राधा यादव और यहाँ पे टी कानवर और ए रेड्डी को हमने बॉलर में सिलेक्ट करा है। तो ये जो है हमारे पूरे के पूरे एक टीम बन के तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो बैटर से किसी एक को ड्रॉप करके आप बॉलर या ऑलराउंडर की संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको बैथ मुने और लॉरा उलवरदत्त दिख रहा होगा, तो इसको हमने जो है फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना लिया है, ठीक है। लॉरा उलवरदत्त और मैगलैनिन को आप बना सकते हैं, ये आपके सेकेंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैगलैनिन और बैथ मुने के साथ आप जा सकते हैं, ये आपका जो है थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जे रॉड्रिगस और यहाँ पे लॉरा उलवरदत्त के साथ जा सकते हैं, ये आपके हो जाते हैं फोर्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर और बॉलर में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, तो जस जोनासन और गार्डनर को बना सकते हैं, ये आपके हो जाते हैं फिफ्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। और यहाँ पे कैप्सी, एलाइस कैप्सी और शेफाली वर्मा को आपको बना लेना है, ये आपके सिक्स टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। अब आ जाते हैं बॉलर में, तो बॉलर जो है राधा यादव को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे टी कानवर को आपको सिलेक्ट करना है, ये आपके सेवेंथ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे राधा यादव, ए गार्डनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ये आपके एट्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाते हैं। आज हमने जो है 8 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो 5 से 6 टीम अगर आप बना रहे हैं तो इसको जो है किसी एक को, जैसे मान लेते हैं जस जोनासन और गार्डनर को कैप्टन वाइस कैप्टन ना बना के आप राधा यादव और ए गार्डनर को बना सकते हैं। कुछ इस तरह से जो है आप बना सकते हैं अपने टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।